हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 वाले बच्चों की जो है डेट शीट आ चुकी है, प्रैक्टिकल की और थ्योरी की। हाँ जी बिल्कुल, दोनों की ही डेट शीट आपकी आ चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं, आपको फुल डिटेल में बात करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल कैसे होंगे, कब होंगे, कौन से दिन आपको जाना है, फिर उसके बाद थ्योरी एग्जाम के बारे में। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसकी बात करें यहां पर, आपको सबसे पहले अगर अपनी प्रैक्टिकल डेट शीट के ऊपर जाना है, पहले आपके होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद होंगे आपके थ्योरी एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे, पहले उसकी डेट शीट देख लेते हैं। तो इस तरह से आना, इसका डैशबोर्ड है। तो अपना आप इस तरह से वेबसाइट पे जाओगे, नोटिफिकेशन पे यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर ही कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं डेट शीट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कब से होने वाले हैं, कब कब, वो देख लेते हैं। यहां पर आपके सामने है ये। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होने वाले हैं यहाँ पर 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, आपके 12वीं क्लास के भी और 10th क्लास के भी, दोनों क्लास के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अब बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर 16 से 19 लिखा हुआ है यहाँ पर, 16 सितंबर से 19 सितंबर, इसके बीच में हमें कब जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, होम साइंस है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पेंटिंग है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपका प्रैक्टिकल वो 16 से 19 के बीच में होगा। अब बात आ जाती है कि 16 से 19 के बीच में होगा तो हम कौन से वहां पर जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम देने। तो इसका क्या होता है, आपको 15 तारीख को ही, जैसे 16 को आपका प्रैक्टिकल है, तो आपको 15 को ही अपने प्रैक्टिकल सेंटर पे जाना है। अब प्रैक्टिकल का सेंटर कैसे हमें पता चलेगा, उसका आपका होल टिकट आ जाएगा, होल टिकट पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर लिखा होगा। तो प्रैक्टिकल का वो एग्जाम सेंटर आपका लिखा होगा, उसके उस पे वहां पर आपको अपने एग्जाम सेंटर पर 15 तारीख को जाना है। 15 सितंबर को आप पहले वहां पर विजिट कर लोगे तो वहां पर एक लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपका 16 को प्रैक्टिकल है, 17 को, 18 को या 19 को है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी सेंटर में अगर मान लो 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चों को एक दिन बुलाना तो पॉसिबल है नहीं कि उनका सभी का एग्जाम एक दिन हो जाए। तो करते क्या है, उनको स्लॉट में बांट देते हैं कि भाई हम 100 बच्चों को आज लेंगे, 100 का कल और 100 का उसके बाद नेक्स्ट डे। तो आपको देखना है कि आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा दिन बैठ रहा है। तो आप 15 तारीख को ही जाकर के विजिट कर लें, वहां लिस्ट लगी होगी एग्जाम सेंटर के बाहर, उस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर लें और कौन से दिन आपका एग्जाम है। बाय चांस कुछ सेंटरों पर लिस्ट नहीं लगा दे तो वहां पर जो एनएस के टीचर है वो, तो आप उनसे जो है वहां पर एक बार कंफर्म कर लें कि आपका ये रोल नंबर है और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस दिन होगा। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप फर्स्ट डे ही चले जाओ, क्योंकि फर्स्ट डे में ही ज्यादातर बच्चे कवर हो जाते हैं अगर सेंटर पे बच्चे कम होते हैं। अब प्रैक्टिकल में आपके जो है, जैसे यहां पर ये आपका 10th के भी और 12th के भी हैं, 16 तारीख से स्टार्ट है और ये लास्ट फिर आपके जो है इसके बाद ये 16 से 19 है, फिर 20 से आपके 23 के बीच में है, उसके बाद आपके 24 से 27 फिर आपके ये वाले जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट हैं 10th और 12th के, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है, आपको प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो प्रैक्टिकल वाले दिन आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेकर के जानी है। 16 तारीख से पहले पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल सभी को बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने नहीं बनाई है तो आप हमसे बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो, उसके अंदर वो बेहतर तरीके से पूरी बनी हुई है, उसको हमने पूरा कवर करके, उसको पूरा डेकोरेट करके आपको उसको आपके एड्रेस तक, जहाँ भी आप रहते हो, आपको हम उसको कोरियर करवा देंगे। प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है 7303838500, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रेडीमेड फाइल भी हमसे मंगा सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन के लिए अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो नंबर जो दिया गया है नीचे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन भी हमसे ले सकते हो। तो प्रैक्टिकल फाइल तो आपको फटाफट बना लेनी है, नहीं बनाई है तो आप हमसे ले सकते हो, वरना खुद बना लो और प्रैक्टिकल फाइल बना करके आपको रेडी रखनी है। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल की, और इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी डेट शीट जो है कौन सी, थ्योरी एग्जाम की। थ्योरी एग्जाम की जो आपकी डेट शीट है वो आपके 3 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 3 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहला एग्जाम अगर 12th क्लास की बात करें तो संस्कृत है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। 10वीं क्लास का आपका हिंदुस्तानी संगीत का है पहला एग्जाम। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है और आपका एग्जाम कब है। जो थ्योरी एग्जाम है वो 2:30 बजे से आपके स्टार्ट होंगे, 5:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। हालांकि सेंटर पे आपको 1:30 बजे तक ही पहुंचना होता है, 2 बजे तक, उसके बाद आपकी एंट्री रोक दी जाती है। तो बाकी आपको जो है इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी अपनी तैयारी करनी है। थ्योरी एग्जाम के लिए हमने जो है काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और रोजाना उनको अपडेट अप टू डेट वो जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, उनको हम आपके लिए चैनल पर लेकर के आएंगे और उनकी वीडियोस आती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को आप जो है सभी
भी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा आपको कहीं से हम जो है उनको पेड कोर्स में पढ़ाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे मिलेंगे। अगर किसी को कंप्लीट कोर्स करना है तो उस काफ़ी सारे कोर्स हमारी ऐप पर है, वहाँ पर भी जाकर आप उनको देख सकते हो। अच्छा, अब इनकी आपको तैयारी कैसे करनी है, जितने भी हैं सबके आपको पिछले साल के 3 दिन पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और उनको अच्छे से सोल्व कर लो। क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो फिर जो है आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी तो सभी से अभी ये केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि आपके एग्जाम में लगभग 1 महीने के आसपास है, 1 महीने से 2-4 दिन ऊपर मान लो, क्योंकि 3 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आप अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो और साथ में जो है अपने पिछले साल के पेपर डाउनलोड करके अपना सिलेबस वगैरह सारी चीजें अच्छे से इनकी तैयारी करो। और जो बीच में आपके प्रैक्टिकल होंगे उसके लिए आप जो है रेडीमेड फाइल हमारे पास से ले सकते हो या सॉल्यूशन लेकर के उनको बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को नहीं भी खरीदनी तो वो जो है यूट्यूब पे हमने सबके सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो आप वहां से देख के भी उनको बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।